एवरीबॉडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज हेयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था मिजबिल द ऑथर की कहानी पढ़ी थी जिसमें हमने जाना कि कैसे ऑथर को ख्याल आया कि नहीं मुझे कोई डॉग नहीं रखना मुझे एक ऑटर ही पालना है और कैसे उन्होंने फिर वो ऑटर पाला उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई और भी जो जो चीजें उस स्टोरी में हुई हम उस सबको पढ़ चुके हैं हमारा वो सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है अब क्या बचता है भाई वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स तो आज की क्लास में हम बिल्कुल वही करने वाले हैं कि जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसके वर्ड मीनिंग्स जिससे आप जब दोबारा से कभी भी चैप्टर पढ़ो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों हम करने जा रहे हैं अभी तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड पहले वर्ड मीनिंग्स देख लो एंड अपॉलिंग स्पेक्टिकल जैसे मैंने बताया था तुम्हें अपॉलिंग स्पेक्टिकल कि भाई एकदम भयानक सा तमाशा हो जाता है तो वैसे ही एक भयाव्य, भयाव्य तमाशा भयावह नया आदर है भयानक लिखो तो भी सही रहेगा एज कॉमन एज मॉस्किटोज मच्छरों की तरह आम है ना जो उन्होंने बताया था कि भाई ये जगह है दलदल वाली जहां पे ऑटर्स ऐसे मिलते हैं जैसे किसी एरिया में मच्छर है ना केबल्ड तार द्वारा समाचार भेजना कहते थे ना पहले जमाने में तार भेजना वो वाली चीज क्रैनिंग गर्दन आगे निकालना ऐसे देख रहा था ना वो बार्बर भाई कहाँ चले गया कहा है मेरा ऑर्डर मिजबल का है वो वाली चीज trolld my mind विचार आना माइंड में कोई विचार आना flick प्रहार marsh is marshes किसे बोलते हैं दलदल जो दलदली इलाका होता है ना वो portly मोटा so as to speak so as to speak को हिंदी में कैसे बोलोगे तो जैसा बोलना है जो आप बोलना चाहते हो वो बात सो एज टू स्पीक क्लियर क्वाटिंग ऐसे उकड़ू बैठना है ना स्टोन थ्रो स्टोन थ्रो मतलब अगर हमने से कोई पत्थर फेंका तो थोड़ी दूरी जाके गिरेगा तो वही वाली चीज की थोड़ी दूर तक ओके क्लियर रेस्ट बिल्कुल आमने सामने पास पास खड़ा होना अकस्टम्ड परिचित है ना कि भाई इस चीज से जो है यहाँ कंफर्टेबल हो जाए वो एडमायरेशन किसी की प्रशंसा करना upfront, किसी का अपमान करना एंड है ना कैसा था शुरुआत में बिल्कुल उदासीनता देखो कुछ भी होता है कभी भी हम लाते हैं ना उसको हम कहीं से भी लाते हैं ना एक दो दिन तो वो सैड ही रहते हैं तो वही वाली चीज अमेज अचंभित होना एम्बुश घात लगाना अपथि उदासीनता अपॉलिंग डरावना या भयानक एपरेंटली जाहिरी तौर पर है ना जाहिरी पर. At length, कोई at length में बताना विस्तार में बताना अवॉर्डेड सम्मानित करना किसी को या सम्मानित किया हुआ बैजर बैजर एक तरीके का जानवर होता है बिजू बैरेज नदी का जो बांध होता है ना वो बीवर बीवर उद ही होते हैं बीवर भी ठीक है और ब्लड खून से लतपत, बाउंडेड ऑन टू किसी चीज पर बंधा हुआ बाउल कटोरा ब्रेक डाउन टूट फूट होना ही बोलोगे उसको तुम ठीक है किसी की विशेषताएं, मनमोहक, चिंक्स झनझन वाला जो साउंड आता है ना वो चिटरिंग चहकना क्रिस्टेंड नाम देना है ना कौन से जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया था वो नाम याद होना चाहिए पूरा उनका क्रोमियम क्रोमियम ही बोलोगे उसको कंपल्सिव मजबूत कंसीव्ड विचार करना किसी को बताना कुछ कंजेक्चुरल अनुमान पर आधारित कोई भी बात जो अनुमान बस लगाया गया और उस पर ही आधारित हो कॉरिडोर जो गलियारा होता है या आपका जो भी जो हिस्सा होता है ना वो वाला करी करी ही कहलाएगी डैमेज कोई चीज टूटी हुई ऐसी खराब होने वाली डिस्ट्रैक्शन व्याकुलता जिससे आप कभी इधर कभी उधर हो रहे हो वो वाली चीज डिस्ट्रेस्ड परेशान हो किसी चीज से तंग हो ड्रेडेड डरना ड्रेबल बूंद बूंद कर टपकना है ना वो अपनी पूरी लार में वो बॉल ड्रेबल कर लेता था emerged, emerged, किसी चीज में से उभरना है ना उभर उभराना एमिनेंटली प्रमुख रूप से एनग्रोज तल्लीन बिल्कुल खो जाना उस चीज में इवेंटफुल घटनापूर्ण Exhausted बिल्कुल थका हुआ अब है ही नहीं हिम्मत सब निकल गया बाहर. ठीक है फ्रंटेज आग्र भाग आगे वाला हिस्सा पंबलिंग लड़खड़ाना है ना वो वाली चीज गैलोप सरपट दौड़ना गिगल्स मूर्ख की तरह हंसना ऐसे हंसते ना ही <laughs> वो वाला ग्रैब किसी चीज को पकड़ना किसी को गुस्से से घूरना कृतज्ञता ग्राउल्ड घुर्राना हिपो हिपो क्या होते हैं दरियाई घोड़े होते हैं और जगल्स बाजीगरी दिखाना वो वाली चीज लीड आगे बढ़ना है ना किसी को रास्ता दिखाना लीडरशिप होती है ना वो वाली लेपर्ड लेपर्ड क्या होते हैं हमारे तेंदुए लीड किसी चीज का ढक्कन मोंगूस नेवले को कहते हैं मार्बल्स पत्थर या कंचे होते हैं ना हमारे वो मिंक एक प्रकार का उत देखो ये सारे है ना ये मिंक और मोंगूज और पहले हमने पढ़ा बीवर और बैज ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी का नाम क्या था वो आप बताओ कि मुझे कमेंट में ठीक है और मोल छचुंदर को बोलते हैं नेटिव मूल जहाँ के आप मूल निवासी हो वहां का जो भी है वो नजर नाक रगड़ना या सूंघना साथ में ऐसे पैक्ड कोई चीज पैक की हुई पॉज पंजे पिंक पॉन्ग बॉल्स पिंक पोंग बॉल्स ही रहेंगी वो तो प्लंजिंग डूबना डुबकियां लगाना ये सारी चीजें Pointed, जिसकी नोक निकली हुई हो नोकदार चीज precisely बिल्कुल सटीक बिल्कुल ठीक ठीक बताना है ना प्रीवियसली पिछला जो पहले से है वो profound, गहरा, संभावना कि हाँ ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती वो वाली ठीक है? प्रोवोकिंग उत्तेजक railings रक्षा बाढ़ जो लगी होती है ना रेलिंग रक्षा के लिए वो रिकॉग्निशन अभिज्ञान resemblance मिलना जुलना है ना मेल खाना मतलब ये चीज इससे कितना कर रही है वो वाली चीज रिज्यूम्ड दोबारा आराम करना एक बार हो गया और फिर वापस उसको हो गया आप देखा आपने कभी आ पॉज और रिज्यूम करना रुकना करना अब वापस से स्टार्ट करना रिटेन रोक रखना रिचुअल्स अनुष्ठान परंपरा ये सब चीजें स्क्रीमिंग आउट चिल्लाकर कहना बोलना सील सील क्या होता है आपका जलव्याग Reds, टुकड़े टुकड़े करना नहीं होता बिल्कुल कोई चीज कुतर लेते तो कैसी हो जाती है वो शफलिंग पैर घसीटना टॉकर फुटबॉल एक तरीके से पेशियस विशाल बहुत सारी जगह होना प्रैक्टिकल तमाशा स्प्लैशड छिड़का हुआ पानी जो पूरा पानी बिखर देता था ना वो वो वाली चीज वाटर स्प्रेड कोई चीज छिड़कना है ना ऐसे और स्प्रिंग अप उत्पन्न होना स्कर्मड एटना स्टैटिक बिल्कुल स्थिर साउथ एक प्रकार का राविदार चपाय सिमेट्रिकल बिल्कुल समित और टेम्ड पालतू ट्रालडम दास्तु शुकर इनटू माय कॉन्फिडेंस उसे मेरे अनुभवों के साथ साझा किया गया ठीक है मतलब उसने सारी बात उसे समझाई एयर होस्टेस को राइटर ने और वो समझ भी गई थी तो वो वाली बात देखो इस चैप्टर में क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था और मेरी कोशिश यही है कि मैं तुम्हें जितने हो सके ना सब वर्ड मीनिंग्स दे दूँ इस चैप्टर की ताकि तुम्हें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और मैं आशा करती हूँ कि हाँ मैं वो चीज़ डिलीवर कर पा रही हूँ तुम्हें उसके अलावा अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम अपने कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे ठीक है ट्रांसपोर्टिंग परिवहन ट्रिकल बूंद बूंद कर बहना बिल्कुल टप 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 बहता ना नल से पानी वो ट्रॉट ऑफ टाल मटोल करना कोई चीज़ बिल्कुल ऐसे हिलाना ढूंढना वो वाली चीज़ अपराइट, बिल्कुल सीधा, वैरायटी, विविधता है ना अलग अलग चीजें वो वेलवेट पागल हो जाना जंगली हो जाना वो वाली चीज बच्चे का रोना मतलब बच्चे की तरह रोना विप्ड ऑफ पिटाई लगेगी तुम्हारी तो मार पड़ी है वो वाली चीज क्लियर हुए तो ये थे तुम्हारे वर्ड मीनिंग्स और है भाई आगे Hostile, शत्रुतापूर्ण मतलब अपना विरोधी समझना सामने वाले को वो हरीड बहुत जल्दी जल्दी करना कोई भी चीज इनफ्यूरिएटेड पर जोर देना जोर डालना इरिटेशन किसी चीज से उत्तेजना ना होना चलो अब आ जाओ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे तो पहले ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले देख लो वट एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल मेक्स विल थिंक केमेस्फेयर ना वुड बी सूटेबल फॉर किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे मैगजेल हमारे जो ऑथर हैं वो किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे जिसके लिए केमिस बिल्कुल परफेक्ट जगह रहेगी He got an idea that instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter. उनके दिमाग में क्या आइडिया आया था कि भाई मुझे कोई कुत्ता नहीं पालना है मुझे तो एक उदबिलाव पालना है Chemist Verna was surrounded by so it would be an eminently suitable spot for this experiment और chemosphere ना जो है पूरा पानी से घिरा हुआ है तो ये बिल्कुल प्रमुख रहेगा मतलब ऐसा first priority में रहेगा कि यहाँ पे ये वाला experiment एक author को पालने का जो experiment है वो बहुत अच्छा रहेगा Why does he go to Basra? How long does he wait there? And why? The writer went to Basra to collect an answer his mail from Europe. ठीक है तो क्या करने गए थे अपना मेल लेने के कलेक्ट करने गए थे कहाँ से यूरोप एंड ही वेट देयर एंड वाई तो उन्होंने वेट कितने दिन के लिए वेट किया था फाइव डेज तो तुम क्या लिखोगे और इजी लिखवाती हूँ ई e, फाइव डेज अच्छा बताए मैं ये लिख क्यों रही हूँ मैंने ये लिखा हुआ क्यों नहीं था बताए क्यों क्योंकि देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी सपोज करो तुम्हें नहीं पढ़ी तुमने है ना और क्या हुआ फिर तुम्हें क्वेश्चन आ गया लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रही है ना चैप्टर तो तुमने पढ़ा है बट तुम्हें याद नहीं आ रही तो तुम क्या करोगे अब यहाँ पे मैंने क्या किया क्वेश्चन लिखा तीन क्वेश्चन पूछे गए तुमसे पहला क्या करने गए थे कितने दिन के लिए और क्यों तुमसे तीन चीजें पूछी गई अब तुम्हारे जो है तुमने चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें ये है कि हाँ भाई तुमने रिकॉल किया हाँ भाई क्यों क्या करने गए थे हाँ मेल कलेक्ट करने गए थे लिख दिया भाई ठीक है कहाँ से आने वाला था वो भी लिख दिया कितने दिन के लिए गए थे सोचा है ना सोचा और लिख दिया वेटेड डे फॉर फाइव डेज कितने दिन के लिए वेट किया था उन्होंने पांच दिन के लिए वेट किया था क्यों किया था क्यों किया था बिकॉज क्योंकि ई डेड एंड मतलब डिड नॉट गॉट हैज मेल तो इस तरीके से तुम आंसर अटैम्प्ट करते हो है ना इस तरीके से तुम आंसर अटैप्ट करते हो जब कभी ऐसा होता है कि हम से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका हमने सोचा नहीं था कि आ जाएगा लेकिन हमने चैप्टर पढ़ा था और हमें चीज ध्यान है तो तुमने क्या किया तुमने लिखा कि भाई पांच दिन इंतजार किया था क्यों किया था इसीलिए किया था क्योंकि उनका मेल नहीं आया था वो कलेक्ट तो करने गए थे बट उन्हें उनका मेल नहीं मिला था इसीलिए उनको कितने दिन लग गए वहां पर पांच दिन सिंपल इस तरीके से एक सेंटेंस में टू द पॉइंट आंसर दोगे क्लियर नेक्स्ट देखो हाउ डस ही गेट द ऑटर डज ही लाइक इट पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस उन्हें ऑटर कैसे मिला क्या उन्हें ऑटर पसंद आया कौन सी लाइन्स थी इस चैप्टर में जो ये चीज दर्शाती हैं इस फ्रेंड सेंट द ऑटर टू द प्लेस वेयर ही वाज स्टेइंग ऑटर कैसे मिला उनका जो दोस्त था उसने भेजा था जहाँ पे वो रह रहे थे जहाँ पे वो मेल कलेक्ट करने आए थे ना बासरा में वहीं उन्हें दिया था the author liked it. Author को पसंद आया था। अब चैप्टर में कौन सी लाइन है वो बताओ दिस इज सीन इन द सेकेंड नाइट बेड इन द स्मॉल बेल्ट फॉर हिम तो ये वाली लाइन ये चीज दर्शाती है कि भाई पहले क्या हुआ कि दूसरी रात पहली रात तो वो बहुत दूरी सोया था दूसरी रात वो धीरे धीरे मेरे पास आके मेरे ये जो नी के जो बेंट होते हैं हमारे है न उसमें आकर सोने लग गया था और फिर उसके लिए मैंने एक बेल्ट भी बनाया था तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ उन्हें ऑटर पसंद आया था और वो और मतलब उसको पालने के लिए अब नई नई चीजें कर रहे थे क्लियर तो तुम इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प करो टू द पॉइंट आंसर लिखो नंबर्स नहीं कटेंगे मैं हर बार सेम बात बोलती हूँ

वो नेम बताना है तुम्हें है ना या फिर मैगजेल्स ऑटर तो हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्ट ये पूछा जाए तो ये बताना है एक द राइट आंसर इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड डिफरेंट फ्रेंडली और हॉस्टाइल बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसा था ऑटर अभी बताया मैंने तुम्हें स्टोरी में कि कभी भी हम कोई भी पेट पालते हैं तो वो स्टार्टिंग में कैसा रहता है उदासीन तो कैसा था अलूफ एंड इन ये वाला आएगा ठीक है जो ऑर्टर है हमारा उसको बाथरूम लेकर गए इट डू आफ्टर डेज आफ्टर दैट और उसके बाद उसने क्या किया है ना एक बार तो ऑथर ले गए थे और उसके दो दिन बाद खुद ऑर्टर ने क्या किया थे? देखो इट इट हमेशा हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं याद रखना तो पहला आंसर देते हैं कि वैन द ऑथर फर्स्ट टुक मिजबिल टू टु द बाथरूम जब ऑथर पहली बार मिजबिल को बाथरूम लेकर गए थे तो ऑथर फर्स्ट वेंट वाइल्ड विद द जॉय इन द वाटर क्योंकि हमने पढ़ा है स्टोरी में कि भाई इनको पानी बहुत पसंद होता है उनकी आदत होती है पानी में कूदने की डूबने की और पानी इधर उधर पूरा बिखेरने की करेक्ट तो वही चीज़ है कि वो बिल्कुल जंगली हो गया था इन्जॉय कर रहा था पानी में

After two days the otter otter suddenly disappeared and went to the bathroom, है ना? Suddenly क्या हुआ वो disappear हो गया गायब हो गया और कहाँ गया Direct bathroom में to play in the water and opened ओपन tap ऑन इज ओन और उसने नल भी खुद से खोलना सीख लिया था भाई दो दिन में क्लियर बस ये आएगा तुम्हारा आंसर हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड अब मुझको इंग्लैंड कैसे ले जाया जाएगा वो बताना है तो द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन नॉट फ्लाई एनिमल्स क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन ने तो मना कर दिया था भाई कि एनिमल्स नहीं ले जाने हैं नहीं ले जा सकते आप एनिमल्स सो ही बुकड अ फ्लाइट टू पैरिस ऑन एना द एयरलाइन एंड फ्रॉम द एयर टू लंडन तो उसे क्या करना पड़ा अब एक कंटिन्यूस फ्लाइट भी नहीं मिली उसने क्या किया पहले तो पेरिस तक की एक फ्लाइट बुक की फिर Paris से लंदन जाने के लिए दूसरी फ्लाइट। और एयरलाइन ने इस चीज़ बहुत जोर तो कम कम डब्बा होना चाहिए उसमें इसको पैक करके ले जाना पड़ेगा आपको फ्लोर एटीस फीट और उसको कहा रखोगे आप अपने पैरों के नीचे उस बॉक्स को वट डिड मिच डू टू द बॉक्स मिज ने बॉक्स के साथ क्या किया

एट देरी लंडन क्यूंकि कोई और दूसरा रास्ता नहीं था मिज को लंडन तक ले जाने के लिए फॉर मिजविल उसको वापस रखा और उसको उसकी चिंता भी हो रही होगी और उसके लिए बुरा भी फील हो रहा होगा उसे बॉक्स में वापस डालते हुए क्योंकि वो जख्मी हो गया था वाइड ऑफ मैक्सवेल से द एयर हॉस्टेस वॉज

अंडरस्टूड की समझी कि हाँ भाई कैसा फील हो रहा होगा ऑथर को एंड देन गेव हिम परमिशन टू टेक द दर आउट ऑफ द बॉक्स ड्यू टू ऑल दिस मैक्सवेल मैग्जवेल हर एज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड और उसने क्या किया फिर उसको परमिशन दे दी कि आप इसको बाहर निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है इसीलिए मैक्सवेल ने उसे कैसे रेफर किया अ क्वीन ऑफ हर ओन काइंड क्लियर

इधर उधर दौड़ने लग गए पूरे प्लेन में और सब जगह चिल्लाने की शोरगुल होने लग गया सब डरने लग गए और एक वुमन तो अपनी सीट पर खड़े होकर चिल्लाने लग गई एक चूहा एक चूहा एवरीवन गॉट टेयर्स सब डर गए थे व्हाट गेम हैड मि इन्वेंटेड मिज ने कौन सा गेम इजाद किया था मि इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन अ यूनिक वे उसने बॉल से खेलने का एक बिल्कुल नया और डिफरेंट तरीका इजाद कर लिया था वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस वॉज डेमेज एंड हैड अ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट अब वो वाली चीज थी ना कि उनका जो सूटकेस था वो डैमेज हो गया था और ऐसा उसमें ऐसे ढलान आ गई थी मेज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड एंड रन टू कैच इट एज इट स्लाइड टू द लोअर एंड मैज क्या करता था हायर वाले पार्ट में बॉल रख के जैसे वो स्लाइड करती थी दूसरी तरफ आता था और उसको एकदम डरा देता था बॉल को और कैच कर लेता था तो ये गेम मेज ने इन्वेंट किया था वट आर कम्पल्सिव हैबिट्स वट डज मैक्सवेल से आर द कम्पल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन और मिज है ना ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो करनी ही करनी है तो स्टूडेंट्स की बच्चों की कौन सी ऐसी हैबिट्स थी और मिज की ऐसी कौन सी हैबिट थी तो पहले स्कूल के बच्चों की देखते हैं चिल्ड्रेन मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक मैंने बताया था ना हम भी करते थे और कभी कभी अभी भी करते हैं कि भाई इसमें ही पैर होना चाहिए अब इसमें ही होना चाहिए स्कवायरली इस तरीके से होना चाहिए तो ये एक कम्पल्सरी हैबिट हो गई थी बच्चों की है ना और मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग और पास टू द आउट साइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट और या तो हर सातवीं जो है रेलिंग टच करते हुए जाना है या फिर हर दूसरे लैम पोस्ट को पास करते हुए जाना है तो ये उन बच्चों की आदत थी जो इस चैप्टर में बताई गई और मिचकी की आदत बताई गई

ये याद रखना ये आएगा डेफिनेटली आएगा है ना कि भाई कौन सा ग्रुप था जिसमें ऑटर्स आते थे तो मास्टलिन ग्रुप में आते थे और कौन से दूसरे जानवर आते थे इसमें बेजर मंगूस वीजल स्टाउट मिंक और दूसरे और भी जानवर आते थे वॉट guesses did the Londoners मेक अबाउट मिज वॉज मिज को क्या क्या बुलाते थे लंडनर्स ऑटर ना बुला के और क्या क्या बुलाते थे एज ऑर्टर्स आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड लंडनर्स मेड द वाइलडेस्ट पॉसिबल गैसेस क्योंकि इतना ईजी नहीं था मतलब इतना कॉमन नहीं था ऑटर्स का वहाँ पर होना तो वो अलग अलग कुछ भी अपने हिसाब से अनुमान लगाते थे कि भाई क्या है? कुछ कुछ तो क्या बोलते थे उन्हें कि भाई बेबी सील है कुछ बोलते थे कि स्क्वेल है या कुछ लोग बोलते थे कि एक हिप्पो है ये सारी चीजें वो बोलते थे उसे अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देख लो वॉट थिंग्स डज डज मिज डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड लविंग एनिमल हु नीड्स लव अब चैप्टर में ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे तुम्हें ये लगा कि भाई मिज करता था जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत प्यारा है और ऐसा है कि उसको बहुत सारा प्यार चाहिए मिज इन्वेंटेड हिज ओन गेम आउट ऑफ पिंग पॉन्ग बॉल एंड अ वन डाउन सूट केस ही लव दॉटर एंड वंस ही अंडरस्टुड दैट ऑन ओपनिंग द टैप वॉटर कम आउट ऑफ इट ही वुड गेट इन टू द्लेड विद वॉटर अब देखो यहाँ पे उसकी इंटेलिजेंसी की बात हुई है कि उसने अपना गेम ही गेम ईजाद कर लिया था पिंग बॉन्ग बॉल से और दूसरी चीज उसने क्या करी थी कि खुद ही जाके टैप ऑन कर लेता था और पानी में बहुत सारा खेलता था जाके हार्ड ग्रेजुअली फॉर्म स्पेशल अटैचमेंट विद मैक्सवेल और धीरे धीरे एक अटैचमेंट हो गया था ऑथर और, और मिज के बीच में जो क्या चीज शो करता है कि बहुत ज्यादा लविंग था हमारा मिजबिल It इट गिव डेस्परेट इट ग्रीक यहाँ पे आएगा grew. Desperate when Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. अब जैसे ही मैक्समल उसे डब्बे में रखते हैं वो डेस्परेट हो जाता है कि नहीं मुझे तो निकलना है निकलना है निकलना है तो वो कुतरने लगता है ना डब्बे को कि बस मुझे कैसे भी करके इस डब्बे से बाहर निकालो तो ये सारी चीजें बताती हैं कि उसे क्यों वो हो गया था क्योंकि उसे प्यार चाहिए था ऑथर से कि नहीं भाई, मुझे तो ऑथर के पास ही रहना उसके पास बैठना है डब्बे में नहीं रहना तो ये सारी चीजें बताती है कि कितना इंटेलिजेंट था कितना लविंग था और उसे कितना प्यार चाहिए था क्लियर वॉट आर थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट इस चैप्टर से ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें पता चली ऑटर्स के बारे में ऑटर्स बिलोंग टू अ अम्पेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन एक चीज़ तो ये पता चले कि भाई इनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है मस्टलिन कहलाता है जिसमें बैजर होते हैं मोंगूस होते हैं स्टाउट होते हैं वीजल होते हैं मिंक होते हैं और दूसरे जानवर होते हैं दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन मार्शेस दलदल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये अरब देम एज पैट्स एंड टेम देम अरब जो होते हैं इन्हें पैट्स की तरह रखते हैं और इन्हें ट्रेन भी करते हैं ऑटर्स लव टू स्प्रेड वॉटर स्प्लेट ऑटर्स को पानी बहुत पसंद है और वो खूब पानी उड़ाते हैं और उसमें खेलते हैं मैग्जेल्स प्रीवियसली अनोन टू दॉज एट लेंथ बाय जूलॉजिस्ट लूट्रोगे मैग्वेली और प्रीवियसली अनोन थे अभी कुछ टाइम पहले ही जाने गए हैं किस किसने बताया ये चीज किसने दिया इनको नाम जूलॉजिस्ट था कौन

ऑटर्स को बताया कि हाँ भाई ये भी है डिस्कवर किया तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा नाम तो ये याद रखना इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे प्रॉपरली फिनिश होता है उसके अलावा कोई क्वेश्चन है जस्ट कमेंट योर क्वेश्चन बिलो तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय अ नाइस डे